बच्चे, आपको जैसा पता है कि 17 तारीख से जैसे आपका आईएससी का एग्ज़ाम है, तो केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ, उसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। बोल रहा है कि एल बराबर में 3 मान वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी, तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो जैसा कि देख रहे हैं कि टिक किया हुआ है, तो 14, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14। भारी जाल का आण्विक द्रव्यमान होता है, कितना हो जाएगा, 20। निम्नलिखित में कौन सी सांद्रता इकाई तापमान पर निर्भर करती है, तो इकाई पर जो निर्भर करती है तापमान, वो आपका मोलरता है। फिर बोला है कि 2p कक्षक के लिए क्वांटम संख्या के मान होता है, तो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 होता है, वो किसके लिए होता है, वो 2p के लिए होता है। निम्नलिखित में किस में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी, तो 1 ग्राम लिथियम में सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। Fe है, तो Fe जैसे डी ब्लॉक का तत्व होता है। अगला बता रहा है कि 16 ग्राम मेथेन के दहन से उत्पन्न जल की मात्रा क्या होगी, तो 36 हो जाएगी ग्राम में। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो 2d5, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो कौन नहीं होता है, तो 2d5 नहीं होता है। जैसे आप 1s2, 2s2, 2p6 कीजिएगा ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, 2 में जैसे आपका डी नहीं आता है। Cu परमाणु के चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। चलिए आगे की ओर आते हैं। निम्नलिखित में किसका आकार सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा आकार किसका है, तो मैग्नीशियम का। परमाणु संख्या 35 वाले तत्व के आवर्त सारणी में किसका ब्लॉक से संबंधित है, तो पी ब्लॉक से है। फिर आगे बढ़ा, परमाणु क्रमांक 129 वाले तत्व में IUPAC प्रतीक है, तो आपका IUPAC 129 का जो है UBS से ही प्रतीक है। UBN जो है आपका 120 से होता है, तो आपका कौन सही हो जाएगा, UBS। हाइलोजन का संबंध किस समूह से है, तो समूह आपका 17 से हो जाएगा हाइलोजन का। चार्ल्स के गैस के नियम किसके बीच संबंध देता है, आयतन और तापमान के बीच में संबंध देता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है वो क्या है, आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि सीन गैस किसके मिश्रण है, तो ये जैसे हाइड्रोजन और H2+CO का जैसे ये आपका मिश्रण है। CuSO4×5H2 में कितने हाइड्रोजन आबंधित जल है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कार्बन धनायन का अस्तित्व सबसे अधिक होता है, तो CH3+ का जो है सबसे ज़्यादा होता है। आगे की ओर आ जाइए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक के पृथक्करण, शुद्धिकरण और शोधन की सर्वोत्तम और नवीनतम तकनीक है, तो क्रोमोमैटोग्राफी हो जाएगा आपका। CH3 कहलाता है, तो किक लाइम कहलाता है ये आपका। कौन सी क्षार धातु जलयोजित लवण देती है, तो लिथियम देती है। फिर आगे आपका बता रहा है कि कार्बनिक यौगिक CH3 CH सिंगल CH2 CH CH2 में C2 सिंगल बॉन्ड C3 आबंध के निर्माण में प्रयुक्त संकरित कक्षकों का युग्म होता है, तो SP2 और SP3 होता है। नियत तापमान पर आयतन और दबाव के बीच के ग्राफ को क्या कहा जाता है, तो समतापी वक्र कहा जाता है। क्षार धातुओं में आयतन एंथैल्पी के घटने का क्रम है, लिथियम, सोडियम, क्रिप्टन, रुबेडियम। क्षार धातु जो घटता है उसके अनुसार से एंथैल्पी देखिएगा, तो पहला लिथियम, दूसरा सोडियम, क्रिप्टन, रुबेडियम। NH3 अणु की आकृति होती है, तो चतुष्फलकीय होती है। आगे बता रहा है O2 की आबंधित कोटि है, तो कितना है, तो 2 है। ऐसा निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा या द्रव के कोई आदान प्रदान नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो विलगित निकाय कहा जाता है। आगे की ओर आ जाइए, फटाफट देखते ही चले जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गणितीय व्यंजक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। दिए गए स्पीसीज में कौन लुईस क्षारक है, तो NH3 हो जाएगा। NH2- के लिए संयोगी अल में क्या हो जाएगा, तो इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, NH3 इसका भी हो जाएगा। शीतल पेय के एक नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻¹⁵ है, तो इसका pH मान क्या होगा, इसको जैसे आंसर डिटेल्स नहीं हो पाया है, इसके लिए बाद में
H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी स्फीति असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है, तो Cl4- माइनस का। Ca2 कैसा प्राकृति है, तो अम्लीय है। उष्मा गतिकीय रूप के से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप है, तो ग्रेफाइट का है। बोरेक्स का जलीय विलयन कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।